बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जहां पर एनसीबी कर चुकी है दीपिका से पूछताछ और दीपिका का फोन भी कर चुकी है जब्त, और ऐसे में खबर आ रही है अब दीपिका पादुकोण से लेकर उनके पति रणबीर सिंह को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, खबर ये आई है कि दीपिका पादुकोण का हो रहा है झगड़ा किसी और से नहीं बल्कि अपने पति रणबीर सिंह से, जहां पर रणबीर सिंह अपनी पत्नी दीपिका का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में अब दीपिका और रणबीर दोनों हो रहे हैं ट्रोल। एक तरफ रणबीर हो रहा है ट्रोल इस वजह से कि भाई दीपिका की वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, और दीपिका जिनकी ये गलती थी कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर बातचीत की और अब वो साथ मांग रही है यहाँ पर किसी और से नहीं बल्कि पति रणबीर सिंह से। और ऐसे में सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी खबरें वायरल हो रही है जिन्हें जानने के बाद हमारे भी होश उड़ गए। खबर ये थी कि दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह के बीच झगड़ा छिड़ चुका है, जंग छिड़ चुकी है, दोनों का एक दूसरे से तलाक होने वाला है, जहां पर कहा जा रहा है कि दोनों के रिश्ते में खटास आ चुकी है, दरार आ चुकी है, दोनों एक दूसरे से अब रिश्ता तोड़ना चाहते हैं क्योंकि अब हो सकता है कि इस ड्रग्स मामले में फंसने के बाद दीपिका और रणबीर का करियर ना चले ज़्यादा अच्छा, और दीपिका के इस ड्रग मामले की वजह से रणबीर को भी ना मिले मूवीज़ में काम करने का मौका। ऐसी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन जब ये खबर हमारे सामने आई तो हमने लिया सच बताने का फैसला और जानने का फैसला, और सच सामने ये आया कि रणबीर और दीपिका के बीच ऐसी कोई भी जंग नहीं छिड़ी है। ये खबर पूरी तरह से झूठी है। रणबीर सिंह अभी भी अपनी पत्नी दीपिका का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें परवाह नहीं कि आखिर लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो दे रहे हैं अपनी पत्नी दीपिका का साथ, जहाँ पर दीपिका को बचाने की पूरी कोशिश और मशक्कत में लगे हैं रणबीर सिंह। ये है पूरी खबर रणबीर और दीपिका को लेकर, जहां पर ना तो इनके रिश्ते में कोई दरार आई है और ना ही तलाक जैसी कोई खबर। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।